नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेहरे मूवी के पहले हफ्ते के टोटल बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेहरे मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग एक हफ्ता पूरा कर लिया है और आज हम यही जानेंगे कि यह मूवी हिट होने के लायक है या नहीं। ऐसे ही इंडियन फिल्म्स के कलेक्शंस के बारे में अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्म कलेक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। चेहरे मूवी में हमें इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन लीड रोल में दिखाई दिए हैं। यह मूवी 27 अगस्त को थिएटर्स में इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड में रिलीज़ हो चुकी है। इस मूवी का बजट 35 करोड़ से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। इस मूवी को क्रिटिक्स और पब्लिक ने लगभग 3 स्टार की रेटिंग दी है। यह मूवी इंडिया में कुल मिला के 800 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 800 स्क्रीन्स पर रिलीज़ होने की वजह से इस मूवी के कलेक्शन में भी ड्रॉप आ सकती है। और बात करें कलेक्शंस के बारे में तो इस मूवी ने अपने पहले दिन लगभग 50 लाख की कमाई की। इसमें अपने दूसरे दिन लगभग 65 लाख की कमाई की और तीसरे दिन संडे होने की वजह से थोड़ी ग्रोथ पाकर लगभग 90 लाख की कमाई की। बात करें इस मूवी के 7वें दिन और पूरे एक हफ्ते के कलेक्शंस के बारे में तो इस मूवी ने अपने 7वें दिन यानी कल लगभग 15 लाख की कमाई की और इस मूवी का एक हफ्ते का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 3.2 करोड़ रुपए होता है। जहां दोस्तों इस मूवी ने इंडिया में कुल मिला के अब तक 3.2 करोड़ रुपये पाए है। बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में तो चेहरे मूवी ने अपने अब तक वर्ल्ड वाइड में लगभग 4.3 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और इस मूवी का अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.3 करोड़ रुपए होता है। बताया जा रहा है कि यह मूवी 20 से ज़्यादा दिन थिएटर्स में पूरा नहीं कर पाएगी और एक फ्लॉप मूवी बनकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम इंडियन फिल्म्स के बारे में कलेक्शंस के बारे में अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्म्स कलेक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।